हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग और पीयर्स के क्रैम्पिंग के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ईयरली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बिल्कुल भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा जो साइन एंड सिम्टम हो पहचान कर जान सकते हैं कि आप शायद प्रेगनेंट हो चुके हैं। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी से पहले जो कि पीरियड से बिल्कुल भी मिलते जुलते हैं। उसमें से एक होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो पहले हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और पीरियड्स क्या होता है। इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर कि आपका जो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट होता है, वो जो यूटेरस का दीवार होता है उसमें जाकर चिपकता है, अपना जगह बनाता है और प्रत्यारोपित होता है, जो उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो पहले से जो यूटेरस तैयार रहता है बेबी को इम्प्लांट करने के लिए, जो एंडोमेट्रियम लाइन यानी कि जो यूटेरस का दीवार वो पहले से तैयारी कर रखा होता है बेबी को इम्प्लांट करने के लिए, वो स्प्रेड होता है। तो इसमें क्या होता है, पीरियड्स के दौरान जो पूरा जो लाइनिंग है यूटेरस का वो रप्चर होके वैजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो इसमें हैवी ब्लीडिंग होता है, पहला बात यह है। और उसमें जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है जो कि वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन इम्प्लांटेशन क्या होता है, सिर्फ आपके जो यूटेरस का दीवार है उसी में ही जाकर छोटा सा जाइगोट जाकर चिपकता है, तो थोड़ा सा जो ब्लीडिंग होता है। सो अभी मैं बताऊंगी आपको कि इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्पिंग कब होता है और पीरियड्स का क्रैम्पिंग कब होता है। इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्पिंग होता है वो आपके जो ओवुलेशन है उसका 6 से लेकर 12 दिन के बीच में होता है। लगभग बीच अगर आपका थोड़ा या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो लास्ट वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पहले दिन से अगर आप काउंट करेंगे तो 20 से लेकर 22 डेज के भीतर ये इम्प्लांटेशन का क्रैम्पिंग हो सकता है, अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का हुआ। अगर 30 डेज़ का है तो 22 से 24 डेज़ के अंदर हो सकता है। तो अगर आप जानते हैं कि आपका ओवुलेशन अभी हो गया और उसके 6 से लेकर 12 दिन के अंदर अगर आपको हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये पीरियड्स का क्रैम्पिंग है या फिर ये इम्प्लांटेशन का क्रैम्पिंग है? देखिए, जो पीरियड्स का जो क्रैम्पिंग है वो पीरियड्स से सिर्फ 1-2 दिन पहले ही आपको आता है। उसमें इंटेंस पेन होता है, वो बिल्कुल भी एक पैर से लेकर पूरा एब्डोमेन, आपका पीठ और आपका पेल्विस पार्ट बिल्कुल भी बहुत सीवियर पेन होता है। और किसी किसी का अगर पेन नहीं होता है वो भी एक लेकिन जो इम्प्लांटेशन का क्रैम्पिंग जो है वो पीरियड्स के बीचों बीचों वाला दिन होता है, यानी कि आपका जो 20 से लेकर 24 दिन के भीतर भी आपका जो क्रैम्पिंग वो होता है। और पीरियड्स का जो क्रैम्पिंग होता है वो सीवियर होता है, बहुत तेज़ होता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्पिंग होता है वो इतना तेज़ नहीं होता है, वो बहुत माइल्ड होता है और वह बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक होता है। और इम्प्लांटेशन का क्रैम्पिंग सिर्फ एक या फिर दो दिन तक ही रहता है। तो 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगी जिसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन का क्रैम्पिंग है या फिर पीरियड्स का क्रैम्पिंग है। एक है आपका जो है प्रिकिंग वाला एहसास, मतलब जैसे कि सुई चुभो देना वाला जैसा एहसास होता है, वो वाला एहसास होता है थोड़ा सा। दूसरा जो है वो पुलिंग, मतलब कोई जैसे पुल कर रहा है स्लाइटली आपका यूटेरस को, वाल को थोड़ा सा पुल कर रहा है, ऐसे आपको फील होगा। या फिर तीसरा जो है वो है जैसे कि टिंगलिंग जैसा एक्शन होता है, जैसे कि मतलब अगर आपका झनझनाहट जैसा महसूस ऐसा लग सकता है। और ये बहुत माइल्ड होता है। कहाँ पर दर्द होता है? आपका पूरा पेल्विस के पार्ट में हो सकता है या फिर लोअर पे या फिर नाभि के निचले हिस्से में भी आपको थोड़ा सा क्रैम्पिंग हो सकता है। कभी बहुत सारे को ये जो इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग है वो बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं या फिर पहली बार प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग हो सकता है और आप महसूस कर सकते हैं।
सो ये तो गया आपका इम्प्लांटेशन क्लैंपिंग और पीरियड्स का क्लैंपिंग के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बताती हूँ कि इम्प्लांटेशन क्लैंपिंग होने के साथ साथ और भी बहुत से साइन एंड सिम्टम होते हैं अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, वो भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपका मूड स्विंग होता है, आपका ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाता है, आपको नॉजिया सेस लग सकता है, आपको फैटिग लग सकता है, आपको बहुत टायर्डनेस हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा पेन होने के बाद तो फिर थोड़ा सा स्पॉटिंग हो जाता है, ब्राउनिस या फिर पिंकी स्पॉटिंग हो जाता है, फिर उसके साथ ही साथ ये सब लक्षण भी धीरे धीरे आपको दिखाई देना शुरू करता है। तो हो सकता है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग है और आप आपका पीरियड्स मिस हो जाएगा। तो आप कन्फर्म कैसे करेंगे कि ये इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग था? तो अगर आप एक होम प्रेगनेंसी टेस्ट लेंगे पीरियड्स मिस होने के बाद एक हफ्ता या दो हफ्ते के बाद, तो हो सकता है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग हो रहा है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसे आप कैसे डील कर सकते हैं? आप कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे कि एसिटामिनोफेन हुआ आप ले सकते हैं। इस समय ईयरली प्रेगनेंसी में कोई भी इब्यूप्रोफेन या फिर मॉर्टन जैसा पेन किलर मत लीजिए, एसिटामिनोफेन आपके लिए सेफ रहेगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के दौरान आप हॉट बाथ भी ले सकते हैं और आप हॉट पैड भी अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं या फिर पेल्विस के ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आपका इम्प्लांटेशन पीरियड्स के बीचों बीच वाला दिन आपको अगर हैवी पेन हो रहा है वो भी बिल्कुल, इस क्षेत्र में आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ईयरली अबॉर्शन भी का साइन है। सो उम्मीद करती हूँ कि अब आप इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग और पीरियड्स के क्रैम्पिंग के बीच में अंतर और डिफरेंस को समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।